तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज आपका भाई जा रहा है थोड़ा गाड़ी का काम करवाने, एंड उसके साथ साथ मेरा आपको दिखा रहा है क्या प्रॉब्लम हुआ है मेरे गाड़ी में, ठीक है। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये जो ये हो रहा है ना, देखिए ये कितना टाइट हो गया, पता नहीं शायद ये देखो समझ में आ रहा है। या दिस इज़ द प्रॉब्लम गाइस। एंड आपका भाई कुछ ही देर में या कुछ ही दिन में राइड के लिए निकलेगा, ओके। एंड गाड़ी का हालात आप लोग देख सकते हो कितना गंदा होके रखा है। तो पहले जाएंगे हम इसको वॉश करवाएंगे, या फिर गाड़ी को वो वाला जो प्रॉब्लम है वो ठीक करवाएंगे, कुछ तो एक करवा लेंगे। पहले निकलते हैं यहाँ से। मैंने और मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है, तो उसको भी मुझे रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। बहुत सारा काम है गाड़ी आज, बहुत काम है गाइस। मेरे गाड़ी में जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये वाला, तो मैं सोचा कि इसको पहले दिखा लेते हैं, इसको दिखाने के बाद जाएंगे गाड़ी को वॉश करवाने, फिर जाएंगे अकॉर्ड यमा के शोरूम, ओके। सो हेलो डॉगी, ये दिखा एक वाला देख, কবে থেকে লাগানো আছে এটা দেখ। কি করতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে? কি হয়ে গেছে? তাহলে এটা কি পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে? ঠিক আছে তাহলে চল। ওই আসি। सो गाइस, मेरे गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, एक्सलेटर का जो तार होता है वो थोड़ा मतलब पुराना हो गया है, बहुत दिन, एक साल हो गया, तो इसके वजह से उसके अंदर बोल रहा है कि जंग लग गया है, तो इसके वजह से ही जाम हो रहा है थोड़ा सा। तो बोला अभी चेंज नहीं करोगे तो ठीक है, कुछ दिन बाद अगर चेंज कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद में टूट भी सकता है, तो इसीलिए मुझे बहुत जल्दी इसको चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले मैं जाता हूँ गाड़ी को वॉश करवा लेता हूँ, फिर रिकॉर्ड यहाँ के शोरूम में जाना है मुझे, तो चलो फिर चलते गाड़ी को वॉश करवा दे पहले। आऊ मैं आगे यहाँ पे, देखो गाड़ी का हालत क्या है। शिट मैन, टोटली शिट, बिलीव नहीं कर सकता कि इतना बुरा हालत हो गया। राइट के बाद से आके कुछ नहीं करवाया इसको, इसकी वजह से दिक्कत हो गई। सो ठीक है चलो। सो गाइस, अरे सो गाइस, इज रेडी। अभी मैं जा रहा हूँ एक्वाडियामा, सो लेट्स गो। यहाँ से 15-20 मिनट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से डनलॉप, फिर उधर से कमरहाटी आवरपाड़ा उस तरफ जाना है मुझे, तो यहाँ यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि उस तरफ जाऊँगा तो बहुत घूम के यू-टर्न लेना पड़ेगा, तो इस तरफ से चलते हैं फिलहाल। टाइम टू गो। सब इधर ही खींचता है, तो बेटर है कि मैं इस तरफ चला जाऊँ। ओ गाइस, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। ये देखो रॉयल एनफील्ड का शोरूम, उसके बाद है यामा का शोरूम, तो मुझे जाना है यामा के शोरूम में। सो बाइक वो। सो गाइस, मेरा काम हो गया इधर। एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ, एक द मेन थिंग इज, मेरा जो इंश्योरेंस का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस का डेट कवर हो चुका है, तो इसके वजह से मुझे बजाज के जो ऑफिस है उस तरफ से मुझे ये करवाना पड़ेगा। सो फिलहाल के लिए मुझे जाना है बजाज के वो इंश्योरेंस के ऑफिस में, जहाँ पे जाके मुझे अपना गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है। सो लेट्स गो, उधर चलते हैं पहले अपना काम करवाते हैं। इधर थोड़ा मुझे टाइम लग गया है, गाड़ी का मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था, सो मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा आप लोगों को, कुछ दिन बाद बताऊँगा जब मैं कुछ नया गाड़ी का प्लान बना लूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए प्लान बन रहा है, लेकिन अभी कुछ श्योर नहीं है। सो पहले श्योर होने दो मुझे, उसके बाद मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं दिखाना चाहता जो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक वो फुलफिल नहीं होता ना, आप लोग बोलोगे यार क्या दिखाया, कुछ लिया तो नहीं, तो इससे बेटर है कि मैं पहले ले लूँ, लेने का पूरा प्लानिंग बना लूँ कम से कम, उसके बाद ही मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, दैट्स द मेन प्लान। सो चलो अभी चलते हैं गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएँ।
सो मेरा इंश्योरेंस रिन्यू हो गया एक साल के लिए फ़िलहाल, लेकिन ये बजाज में मुझे लगता है बहुत कॉस्टली पड़ गया मुझे, 3482 ऐसा पड़ा मुझे, तो उस हिसाब से मतलब 3500 ही हुआ ना, 20 रुपये, ये 18 रुपये कम है सिर्फ। टू कॉस्टली मैन। एंड गाइस अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी का जो पोल्यूशन होता है PUC वो निकालने के लिए, तो वो निकालूंगा मैं जाके अपने सिटी मोड में, एक पेट्रोल पंप है वहीं से कर लूँगा मैं, तो चलो फिर उधर चलते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करवाना पड़ रहा है गाड़ी का, इतना सारा मतलब ये सब रुका हुआ था, मैंने करवाया नहीं था बहुत दिनों से, PUC बस कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ तो, और इंश्योरेंस बहुत दिन हो गया था रिन्यू नहीं करवाया था क्योंकि मैं मतलब क्या बोलूँ बाइकिंग से बहुत दूर था ना, आप लोगों को पता ही है मैं पूरा छोड़ चुका था ये सब कुछ, तो फिर से स्टार्ट किया था। अब राइड करना है तो भाई सब कुछ करना तो पड़ेगा, और ये सब कर रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बजाज का एक और फ़ायदा है यहाँ पे मैंने देखा, मतलब अगर ओनर्स का अगर होता है कुछ गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट तो उसमें आपको 15 लाख रुपए तक को मतलब मिलता है इंश्योरेंस बेनिफिट। तो बजाज का ये एक फ़ायदा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिसका एक्सीडेंट हो उसी के लिए फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट होना ही चाहिए तभी फ़ायदा मिलेगा, हाँ लेकिन हाँ एक ऑप्शन है कि अगर कुछ हो गया तो परिवार को ये आप क्लेम करके आपको मतलब अगर आप बड़े हो मतलब एज में थोड़ा ज़्यादा हो तो आप लोगों को मिल सकता है ना, तो बस इसी वजह से तो फैमिली को हेल्प होगा, तो दैट्स इट, इसके वजह से बजाज का ये प्लान मैं करवाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा है क्योंकि लास्ट बार मैंने इसको दिया था 2700 जो इस बार मुझे पड़ गया 3500, तो इसीलिए थोड़ा कॉस्टली कर दिया, लेकिन ICICI मुझे पता नहीं दूसरे का में कितना पड़ता है, अगर किसी को मालूम है तो मुझे कमेंट करके बताओ। सो दैट्स इट, अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं जल्दी से जल्दी PUC करवाते हैं गाड़ी का। और इतना ये ट्रैफिक यार दिमाग गर्म हो जाता है इस गाड़ी से। हाईवे पे ऐसे जाते हैं, ये तो हाईवे नहीं है, हाईवे पे भी यहाँ पे ऐसे जाते हैं कि क्या बताएं, अपने घर का बगीचा हो क्या, मतलब लोगों को हो क्या जाता है, लोगों को समझ नहीं आता क्या। छोड़ो यार इन लोगों को बोल बोल के थक जाओगे, ये सुधरेंगे नहीं, इससे अच्छा बेटर है कि कोई इसके लिए कानून बनाए, बेटर यही है कि अगर आप रास्ता पार कर रहे हो विदाउट सिग्नल, मतलब जैसे बाइक अगर सिग्नल क्रॉस कर जाता है तो बाइक को पकड़ते हो तो लोगों को ही पकड़ो, किसी को ज़्यादा जल्दी है तो ठीक है वो लाल कपड़ा लेके चलो यार, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कहीं पे निकल जाओगे और एक्सीडेंट हो जाएगा बस और गाड़ी वाले की गलती, बाइक आगे निकल जाता है तो बस उसको पकड़ लेते हो, बाइक रूल्स फॉलो नहीं करते उसको पकड़ लेते हो, तो गाइस उस हिसाब से तो हर किसी को पकड़ना चाहिए, रूल्स हर किसी के लिए सेम होना चाहिए, जो बाइक चला जो गाड़ी चला जो पैदल जाए सबके लिए सेम होना चाहिए, जब सिग्नल है तभी पार हो हर टाइम नहीं, अगर सब लोग सिग्नल मेंटेन करेंगे तभी आके कोई एक्सीडेंट ये सब कुछ नहीं होगा। ओह शिट बहुत भीड़ है, मैं एक जगह गया था लेकिन उधर कुछ ज़्यादा ही क्राउड था तो इसके वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ और एक पेट्रोल पंप है सामने तो उस पर जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल, देखते हैं उधर, होप तो उधर ज़्यादा क्राउड नहीं हो, मतलब क्राउड तो मेन चीज़ नहीं है, गाड़ी ज़्यादा नहीं हो, यहाँ पर 4-5 गाड़ी जो गाड़ी था और नॉर्मल मतलब गाड़ी मतलब बाइक नहीं गाड़ी ही था गाइस, इसीलिए मुझे आना पड़ा इस तरफ, तो पता नहीं कितना टाइम लगता तो इसीलिए मैं इस तरफ आ गया,
होप सो कि इधर ज़्यादा ना हो। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सही होगा। আচ্ছা চিনমো কি গাড়ি? আরে গাড়ি তো ওনার অনেকগুলো দেখতাম।